से क्राइम फ्री भारत के सदस्यों से सीधे संवाद कर रहा हूं। इस संवाद के जरिए से हम क्राइम फ्री भारत, जो कि 5 सर्टेनिटीज प्रदाय कर रहा है, जिसमें सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस, वो ही बिना थाने जाए, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, वो भी पुलिस को डी वर्डन एंड डी स्ट्रेस करके, पुलिस की लगभग 90% और उससे अधिक जो वर्कलोड है वो टेक्नोलॉजी या आम जनता को ट्रांसफर किया जाएगा। यह सब काम चित्रगुप्त के जरिए किया जाएगा, जिसका कि लीगल नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। इसको हमने माइथोलॉजिकल नेम डिजिटल चित्रगुप्त दिया है, और उसके पीछे जो मंशा है वो ये मंशा है कि जो डिजिटल चित्रगुप्त है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ गॉड है, और जब हम मरते हैं तो आत्मा को वो वीडियो फुटेज दिखाए जाते हैं जिसमें आपने क्या किया, और वो पाप की कैटेगरी में आता है या पुण्य की कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो चित्रगुप्त है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी सेंट, ही इज ओमनी पोटेंट, और उसके पास सभी जो है आपके कर्मों के वीडियो फुटेज वो रियल टाइम बेसिस पे पहुंचते हैं, और वह वीडियो फुटेज वो आपके साथ ही शेयर करता है, आपकी आत्मा के साथ शेयर करता है। वो वीडियो फुटेज आपके पड़ोसी के साथ शेयर नहीं करता है और किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। इसलिए हमने इसका नाम डिजिटल चित्रगुप्त दिया है, और ये आपको गारंटी ऑफ प्राइवेसी देगा। गारंटी ऑफ द प्राइवेसी इज ए आपका आज संवैधानिक अधिकार भी है, और फिर जो है एक एकदम साधारण दर्जे के पुलिस ऑफिसर से भी वो अव्वल दर्जे का इन्वेस्टिगेशन अपने इन्वेस्टिगेशन ऐप के माध्यम से करा पाएगा। और बहुत सारे दूसरी जो सर्विसेज हैं, लाइक डिजिटल फोटोग्राफी, क्राइम सीन इन स्कैनिंग, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज जो सर्विसेज हैं वो आगे चल के स्टार्टअप के माध्यम से आएंगी, और वो कॉन्टेंट सीधे क्लाउड स्पेस में डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा। और डिजिटल चित्रगुप्त का जो कानूनी नाम है वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो है तीसरे उसमें सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन के बाद सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन, और यदि उसको सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस या सर्टेनिटी ऑफ न्याय कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और फिर चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ मालूम है, तो उसे ये मालूम है कि अपराध करने आप कब निकले हैं, आपके साथ में कौन है, क्या आपके पास कोई डेडली वेपन है, और चित्रगुप्त डिसाइड करेगा कि हम कैसे जो है और कहां पर उस व्यक्ति को हम इंटरवीन करें और साक्ष्यों के साथ उसको पकड़ें, और जहां पर प्रिपरेशन ऑफेंस है या अटेम्प्ट ऑफेंस है उसमें उसको प्रोसिक्यूट करें, और यदि कुछ नहीं है तो प्रिवेंटिव सेक्शन के अंदर बुक करें। आगे चल के डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन। लेकिन जब डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है, तो क्यों ना हम सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, जो अपराधी है वो अपराध जो है कई बार अपने पेट की भूख के कारण करता है, तो उसको वो अपराध करने की जरूरत क्या है। यदि हम उसकी स्किल सेट को आइडेंटिफाई करें, उसके गैप्स को आइडेंटिफाई करें, उसको स्टेट की ओर से गारंटी दें, स्टेट की तरफ से रिसोर्सेज दें, तो पक्का है कि हम जो है उसको जो है सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर पाएंगे।
और सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेशन करना एक वन ऑफ द जो है प्राथमिकता भी है और सर्टेनिटी भी है। इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम है, लिहाजा क्राइम फ्री भारत का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो जनता को अपने 5 रेवेन्यू के सिस्टम के रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से वो माला माल करे, उनको वेल्दी बनाए और आने वाले समय में भारत की जनता की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम से कम 3 गुना बढ़ेगी और जीडीपी कम से कम 5 गुना।